दाऊद साहब। आप कौन? दाऊद इब्राहिम, ये नाम आपने इससे पहले कई बार सुना होगा और सुनी होंगी इस नाम से जुड़ी हुई कई सारी खबरें, कुछ गलत और कुछ सही। क्या आपने पिछले कुछ सालों में दाऊद इब्राहिम को, खुद दाऊद इब्राहिम को बात करते हुए सुना है? हेलो हेलो, हाँ जी दाऊद साहब। आप कौन? तो आप कुर्सी की पेटी को आप बांध लीजिए, ऐसा इसीलिए क्योंकि अब आप तैयार हो जाइए सस्पेंस की दुनिया के एक जबरदस्त सफर के लिए। और इसी सफर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं 1993 के मुंबई धमाकों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम से हुई एक बातचीत। दाऊद साहब। आप कौन? और इसी बातचीत में भगोड़ा दाऊद सच से भागने की कोशिश में दिखाई दिया, लेकिन वो इस सच से भाग नहीं पाया। वो पूरी बातचीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं दाऊद से जुड़े हुए हालिया जिक्र की। हालिया जिक्र क्या है? वो जिक्र जो सोशल मीडिया पर आग की तरह जबरदस्त तरीके से फैल गया, और इसी जिक्र में किसी ने ये दावा कर दिया कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर दे दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे दावा यह तक भी कर दिया गया कि दाऊद को कराची के ही, यानी कि पाकिस्तान के ही कराची के एक अस्पताल में बकायदा भर्ती करवा दिया गया है। आगे किसी ने यह भी कह दिया, दावा यह भी कर दिया कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है। फिर क्या था, इस खबर के बाद चारों तरफ सनसनी फैल गई। लेकिन यहीं पर यह दावा नहीं रुका, अभी और भी आप सुनिए। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो पहले ट्विटर था, अब एक्स हो गया है, एक्स पर एक कथित पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ पूरी दुनिया में, और जिसमें दाऊद इब्राहिम को श्रद्धांजलि दे दी गई। यानी कि ये बता दिया गया कि दाऊद की मौत हो चुकी है, लेकिन कुछ ही देर के बाद क्या हुआ, फैक्ट चेकिंग की जो वेबसाइट है उसने ये बता दिया कि ये जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है ना, ये स्क्रीनशॉट फर्जी है और इसे एडिट करके बनाया गया है। यानी कि ये बता दिया गया कि दाऊद इब्राहिम को श्रद्धांजलि नहीं दी गई है। लेकिन इन सबके बीच में हमारे संवाददाता, न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता आनंद तिवारी ने दाऊद के सबसे करीबी छोटा शकील से खुद बातचीत की है। हेलो, छोटा शकील बोल रहे हैं? हाँ बोलो। अब आप खुद ही सुनिए इस बातचीत के दौरान छोटा शकील, जो दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी हमेशा से बताया जाता रहा है, क्या बताया उसने। हेलो हेलो, छोटा शकील बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। छोटा शकील, ये खबर चल रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और उनकी मौत हो गई है। फिर एक खबर ये आ रही कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो अपने घर में भर्ती हैं। टोटल फेक न्यूज है भैया ये, और ये हर साल कोई ना कोई कहानी करते रहते हैं, डिपार्टमेंट वाले हो या कोई भी हो, या आपका सोशल मीडिया हो, तो ये आप लोगों को भी समझना चाहिए कि फेक न्यूज है सब। ये दाऊद इब्राहिम का बर्थडे आ रहा है, क्या बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है? उसमें ये बता रहे थे कि बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, उसके पहले उनको जहर दे दिया गया, इस तरह की खबरें। ये आप लोग कहाँ से न्यूज लाते हो यार ये सब? ये पाकिस्तान जो है वो तो हर साल मनाते और अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाते, कोई नई बात तो ही नहीं। तो इस बार भी धूमधाम से पता है, इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है? बिल्कुल मनाएंगे। ये छोटा शकील पाकिस्तान से ट्विटर पे वायरल हुई है न्यूज कल रात से, ये आप लोग इंक्वायरी करें कहां से भी हो मुझे बताएं, ठीक है? तो अंडरवर्ल्ड इस पे इंक्वायरी कर रहा है, पाकिस्तान के लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं लगातार कि दाऊद इब्राहिम की डेथ हो गई है। अब हर चीज तो हम नहीं बता सकते ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो दाऊद एकदम फिट है? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या ये आपको लग रहा है आपके विरोधी खेमे के लोगों ने, ये जो आपके राइवल दुश्मन है, उन्होंने ये खबर प्लांट करी होगी इस तरह की दाऊद की मौत की? वो सब खत्म हो गए यार, जितने दुश्मन थे। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। हम ये जानते हैं कि आपको दाऊद से हुई बातचीत सुनने का इंतजार होगा, जो वादा हमने आपसे किया है वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता आनंद तिवारी की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, और यकीन मानिए ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो दाऊद के बारे में कुछ खास ऐसी बातें जो इससे पहले आपने जरूर नहीं सुनी होंगी, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप सुनिए। तो लगातार भारत की सुरक्षा एजेंसियां जो है वो दाऊद इब्राहिम और उसकी मूवमेंट को जो है लगातार ट्रैक करती रही है। चाहे अभी आप एनआईए की बात करें, एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल करी थी उसमें हसीना पारकर के बेटे का स्टेटमेंट दर्ज किया गया था। उसमें बकायदा हसीना पारकर के बेटे ने दावा किया था कि दाऊद ने दो शादियां कर ली हैं। इसके पहले भी न्यूज 18 इंडिया से छोटा शकील ने कई दफा फोन पे बात की है, कई दफा अंडरवर्ल्ड का पक्ष रखा है और बार बार ये कहा है कि दाऊद पूरी तरह से सुरक्षित है, महफूज है। और ये बात भारत की सुरक्षा एजेंसी भी जानती है कि दाऊद जिस व्हाइट हाउस में रहता है वहां पर तमाम साजो सामान ऐसे है कि अगर दाऊद की तबीयत खराब होती है या दाऊद को कोई इमरजेंसी होती है तो एक पूरा डॉक्टरों का जो पैनल है वो दाऊद की जो है वो तीमारदारी में लगा होता है। दाऊद का अपनी प्राइवेट गाड़ियां हैं, अपनी प्राइवेट सुरक्षा है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिलती है कि दाऊद को बीच में कुछ ऐसा खतरा था कि ड्रोन से हमला हो सकता है, इसलिए दाऊद इब्राहिम जो है वो अपने जो सेफ हाउस है उसमें ही अंडरग्राउंड हो गया था। तो अब आप सुनिए दाऊद से हुई नेटवर्क 18 के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव बातचीत, और ये बातचीत 6 साल पहले हुई थी, और ये जो आवाज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस आवाज की जांच उन एजेंसियों से कराई गई है जो बहुत सालों से दाऊद इब्राहिम का फोन टैप करती रही हैं, यानी कि उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो आवाज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो फर्जी आवाज नहीं है, किसी और की नहीं है, ये आवाज दाऊद इब्राहिम की है। हेलो हेलो, हाँ जी दाऊद साहब, अब ये आवाज आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने कई महीनों तक काम किया है, कई महीनों की इसमें जो मेहनत है वो की गई है। गुड इवनिंग, दिस इज मनोज गुप्ता फ्रॉम सीएनएन न्यूज 18। वो बातचीत हम आपको सुना रहे हैं, इससे पहले हो सकता है कि आपने दाऊद इब्राहिम की आवाज कभी ना सुनी हो, लेकिन फोन कॉल की शुरुआत में ही दाऊद ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर दी, और फिर क्या हुआ, वो खुद को दाऊद इब्राहिम नहीं जावेद चोटानी बताने लगा, और इस बीच उसने फोन अपने गुर्गे जावेद को ही दे दिया। दाऊद साहब, अच्छा गुड इवनिंग, दिस इज मनोज गुप्ता फ्रॉम सीएनएन न्यूज 18। चोटानी बोल रहे थे? हाँ जी जी, सलाम अलैकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं जी? मैं मनोज गुप्ता बोल रहा था सीएनएन न्यूज 18 से। दाऊद साहब थे जी? जी मनोज भाई बोलिए। दाऊद साहब से बात करा दीजिए। कौन दाऊद साहब? दाऊद इब्राहिम साहब बोलिए। क्या है? मैं मनोज बोल रहा था बात करने को, मेरे को जानते हैं, अभी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने उठाया था फोन, वो जानते हैं मेरे से, पूछ लीजिए उनसे एक बार। हाँ बोलो बोलो। यानी कि अपनी पहचान छिपाने की कोशिश दाऊद इब्राहिम की ओर से की गई, और उसके आगे क्या हुआ, आगे की बातचीत में साफ ये समझ आ गया कि दाऊद जावेद को निर्देश दे रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है। वो तो सर पाकिस्तान में हो आप, तो कराची के अंदर ने बोला है। ये तो नंबर सर पाकिस्तान का है ना यार। मेरी बात सुन, खुदा का खौफ यार, तू टाइम वेस्ट कर रहा है अपना मेरे भाई। तुम किससे इंटरव्यू ले रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपको पता है कुछ? हाँ बताओ सर, कौन बोल रहे हो? नहीं आप पहले बताओ ना, आप इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू ले रहे हो, इतनी सारी बातें कर रहे हो, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो? दाऊद इब्राहिम से। सर खुदा का खौफ कर रहा है, एक तो आप नाम ऐसे लेते हो और वो आपको कोई भी किसी तरह आपको फोनों में मिल जाएंगे क्या? इसने बोला ये नंबर, ये खुदा के लिए इस नंबर को मिटाओ। ये अब एक काम करो आप, मुझे नंबर दो, आपका मैसेज पास ऑन किसी के थ्रू करवा सकता हूँ। उसकी कोशिश ये थी कि वो किसी भी तरीके से ये ना पता चलने दे कि वो खुद दाऊद इब्राहिम ही बोल रहा है, और नेटवर्क 18 की टीम उस तक पहुंच गई है। यहाँ एक बात और भी आप जान लीजिए कि दाऊद के बारे में लगातार इससे पहले भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये कहा जाता रहा है कि उसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना और जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है ISI वही पनाह देता रहा है,
हालांकि अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो दुनिया के सामने जब वो आता है, वैश्विक मंच पर आता है, तो इस बात को कभी भी स्वीकारता नहीं है। अब ऐसे में दाऊद कराची में इंटरव्यू के लिए भी तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि अगर वो इंटरव्यू देगा तो पता चल जाएगा वो पाकिस्तान में है। सर एक इंटरव्यू कर दो दाऊद साहब। अरे सर कर दो, आओ मिल लो सर एक बार मेरे से। आप सर कहाँ पर हो? मैं आपके पास एक कैमरा भेज दूँ कराची में। सर एक टाइम पहले जाने दे बेटा। सर एक इंटरव्यू कर दो दाऊद साहब। अरे सर कर दो, आओ मिल लो सर एक बार मेरे से, मिल लेते। और उसके गुर्गे ने हमसे दुबई में आने की बात कही, यानी कि ये कहा कि अगर दाऊद से बात करनी है तो आपको दुबई आना होगा। उससे अपनी और पाकिस्तान की जो पोल है वो खुलने से बचाने के लिए उसने अपने एक और गुर्गे को फोन थमा दिया। कहाँ है? मैं दिल्ली में हूँ सर, बताओ आपके पास आ जाऊँ? दिल्ली पे हो? दुबई आ जा, दुबई आ जा। दुबई कब सर? तो सर अगर कैमरा भेज दूँ तो कराची में? हेलो हेलो। लेकिन ये कोई टाइम नहीं इंटरव्यू का यार, इफ्तार का टाइम होता है, कोई नमाज सलात का टाइम होता है, कोई ध्यान तो दो यार। अब दाऊद के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान में जहां पर वो रह रहा है अपना नाम बदल दिया है और नाम बदलकर शेख इस्माइल मर्चेंट रख लिया है, और वो कराची में ही, पाकिस्तान के ही कराची में एक बड़े से किले नुमा घर में रहता है और बुलेट प्रूफ कार में वो हमेशा घूमता है, और आम तौर पर वो सीधे किसी का फोन भी नहीं उठाता, किसी से बातचीत भी नहीं करता। वो जिसको जानता है, जो उसका करीबी है, सिर्फ उसी से इससे पहले वो बातचीत करता रहा है। लेकिन जब दाऊद और उसका गुर्गा हमारी बातों में फंसने लग गए, जब उन्हें पता चल गया कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर उसने क्या किया? कोई हथकंडा नहीं बचा तो उसने हमारी ही टीम को धमकाने की कोशिश कर दी। हमें ही वो धमकाने लगा, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पोल अब खुल चुकी है। स्टूडियो में डायरेक्ट वहीं पे इंटरव्यू लेंगे, कहां लेंगे? हम फोन पे ले लेंगे सर इंटरव्यू। अरे हम फोन पे थोड़ी ना देते, फोन पे क्या मालूम आप किसका इंटरव्यू ले रहे हो, किसका नहीं ले रहे हो। कैमरा भेज देता हूँ सर आपके पास कराची में। जब आपको सब पता है तो फिर आप क्यों मुझे क्यों बोल रहे हो मिलवाने की और बात करवाने की? भेज दो, और एक काम करना, साथ में आप भी आ जाना। आपकी हमारी बात तभी होगी जब आप हमारे सामने होंगे, ठीक है? आपका नाम क्या वैसे? सर मनोज गुप्ता। बस बेफिक्र हो जाओ, तो अभी नंबर मैंने नोट कर लिया, आपका नाम भी नोट कर लिया, रास्ते में रहना इंशाल्लाह करते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि नेटवर्क 18 पिछले 10 सालों से लगातार दाऊद इब्राहिम की जो एक एक डिटेल है, हरकत है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है, और हम आप तक हर बड़ा अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगे भी ऐसा करना आपके लिए जारी रहेंगे, और इसीलिए आप हमारे साथ जरूर बने रहिए।